दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, 65th बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम का अंतिम चरण मैंने अब 2 दिन के बाद है जो आपके सामने है, जो एग्ज़ाम आ गया है। तो दोस्तों, इसमें आज हम जो बात करेंगे, जो आपसे लेखन शैली से रिलेटेड हम बात करेंगे, ये बूस्टर डोज है। दोस्तों, आप जानते हैं कि क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो उसमें टिप्पणी, विवेचना, विश्लेषण, पुनरीक्षा, दृष्टिकोण और आलोचनात्मक परीक्षण, ये जैसे वर्ड का है जो यूज किया जाता है। दोस्तों, हर एक वर्ड का एक अलग मीनिंग होता है। तो मैं एग्जाम से 2 दिन पहले मैं इसलिए इस वीडियो बना रहा कि दिमाग में आप लोग को कम से कम रहे कि इस चीज़ को लिखने के लिए जब हम लिख रहे हैं तो उसमें टिप्पणी लिखा हुआ है तो क्या करें, विवेचना लिखा हुआ है तो क्या करें, विश्लेषण लिखा हुआ है तो क्या करें, रिव्यू करना है तो क्या करें, दृष्टिकोण अगर देना है तो क्या करें, आलोचनात्मक परीक्षण करना है तो क्या करें। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो मैंने है जो करेंट अफेयर्स GS1 GS2 का वीडियो मैंने बनाकर है, जो करीब 150 से ऊपर वीडियो मैंने डाला था, और निश्चित रूप से वो वीडियो अगर जो देखे होंगे उनको एक पॉजिटिविटी लग रहा होगा कि मैंने जब एग्जाम में जाऊंगा लिखने तो वहां पर एक आपके पास डेटा का कलेक्शंस होगा ताकि जो आपकी कलम है जो वहां नहीं रुके। दोस्तों, हम बात करते हैं कि टिप्पणी अगर आ गया लिखने के लिए कि किसी भी क्वेश्चंस में अगर टिप्पणी लिखा हुआ है बैकएंड में, अगर उसके टेल में अगर टिप्पणी लिखा हुआ है तो वहां पर क्या करें। दोस्तों, वहां पर लिखने के लिए आप जो फॉर्मेट बनाइएगा उसमें दिमाग में सिर्फ इतना ही रखना है कि टिप्पणी है तो इंट्रोडक्शंस देने के बाद उसमें बैकग्राउंड की कोई चर्चा है जो नहीं करना है। टिप्पणी में कोई बैकग्राउंड की चर्चा नहीं करना है, सीधे इंट्रो लिखने के बाद मेन बॉडी पर पहुंच जाना है जहां क्वेश्चंस का कोर पॉइंट है जो बोल रहा है, कोर पॉइंट को सीधा पकड़िएगा और उसके बाद उसके 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव पॉइंट्स देकर, और है जो कमेंट में है जो आप सीधा चले जाइएगा। टिप्पणी जब पूछ रहा है तो कोई भी चीज का अगर क्वेश्चन हो तो उसके 5 पॉइंट्स पॉजिटिव और 5 पॉइंट्स नेगेटिव। क्या कि टिप्पणी होता है कि वन साइडेड कभी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अगर किसी वस्तु के बारे में बोला जाए कि इसकी पॉजिटिविटी और इसकी निगेटिविटी क्या है तो वहाँ पर है जो उस वस्तु का आप टिप्पणी कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है टिप्पणी करने के लिए, या आप हिस्ट्री का क्वेश्चन ले लीजिए, या आप है जो आदिवासी आंदोलन की टिप्पणी कीजिए, तो उस पर कुछ पॉजिटिव थिंग और कुछ निगेटिव थिंग है जो वहाँ पर है जो देकर है जो आप है जो क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं और फिर कमेंट में उसको देकर है जो निकल सकते हैं। कमेंट है जो जरूर देना है। दोस्तों, कमेंट ही है जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके टिप्पणी पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या सार है वहाँ पर। तो टिप्पणी जब आए तो पॉजिटिव और निगेटिव की चर्चा है जो आप जरूर करें। निश्चित रूप से पॉजिटिव और निगेटिव की चर्चा है जो आपको करना है। दोस्तों, दूसरी बात कि अगर इसी क्रम में अगर विवेचना की बात आ जाए, अगर विवेचना करने की बात आ जाए तो वहाँ डिस्कस या एक्सप्लेन दोनों है जो लिखा रहेगा कि डिस्कस कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो उस क्रम में दोस्तों आपको क्या करना है कि फॉर्मेट जो बनाना है उसमें आपको बैकग्राउंड देना है। क्वेश्चंस जब लिख रहे हैं तो भूमिका देने के बाद एक बैकग्राउंड दीजिए कि हम ये चीज़ है जो इस क्वेश्चंस में लिखना चाह रहे हैं, और सीधे मेन बॉडी में आकर है जो उसके पॉइंट की है जो चर्चा कर दीजिए, और उसके बाद उसकी क्रिटिसिज्म है जो जरूर कीजिए, उसकी आलोचना है जो जरूर कीजिए। आप विवेचना के अंदर में आप है जो उसकी आलोचना करना जरूरी है। डिस्कस पूछ रहा है, एक्सप्लेन पूछ रहा है, तो निश्चित रूप से है जो मेन बॉडी में जो पॉइंट लिखे हैं और जो आलोचना लिखे हैं वो एक दूसरे को कनेक्टेड होना चाहिए। दोनों के बीच जो है वो है जो कहीं ना कहीं है जो आप है जो उसको कनेक्टेड होकर है जो उसकी आलोचना करते जाए। अगर आपकी प्रदूषण के बारे में अगर साइंस एंड टेक में है जो ज़्यादा है जो क्वेश्चन है जो डिस्कस से पूछा जाता है, चाहे आप जो सेकंड जो GS2 पार्ट में होगा तो वहाँ ज़्यादा है जो पूछा जाएगा। GS1 में आपको करेंट अफेयर्स में कहीं कहीं आपको है जो विवेचना का क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए होगा, नहीं तो ज़्यादा GS2 में है जो आपका इसका प्रयोग होगा। फिर उसके बाद है दोस्तों उसको निष्कर्ष है जो दे दीजिए। तो विवेचना जब आए दोस्तों तो है जो मेन बॉडी का जो पॉइंट लिख रहे हैं उसके बाद क्रिटिसिज्म है, एक दूसरे को कनेक्टेड है जो आपस में जरूर कीजिए। टिप्पणी में हमको कनेक्टेड नहीं करना है, सेपरेट पार्ट में है जो टिप्पणी में लिखना है, लेकिन विवेचना में है जो दोनों पार्ट को है जो हमें है उसको है जो कनेक्टेड करना है। जैसे मान लीजिए कि आप 1 2 3 4 5 पॉइंट तो इसका जब लिख रहे हैं तो क्रिटिसिज्म का अगर 5 पॉइंट दे रहे हैं तो इससे इस तरह से रिलेट कीजिए ताकि जो 5ों पॉइंट एक दूसरे से रिलेट हो जाए, तो है जो वहाँ पर है जो डिस्कस होगा, एक्सप्लेन उसको बोला जाता है। ये दोनों है जो मैपिंग करना चाहिए, इस सभी पॉइंट है जो एक दूसरे को
मैपिंग होना चाहिए, वहां पर है जो आपको डिस्कस करना है। विश्लेषण की अगर बात किया जाए दोस्तों, अगर आपको विश्लेषण करना है तो इंट्रो जरूर दीजिए, इंट्रो देने के बाद मेन बॉडी में आइए और यहाँ पर फिगर और मैप का प्रयोग जरूर करें। विश्लेषण अगर किसी भी चीज का, जिसे आपको बोल दिया जाए कि दक्षिण चीन सागर का है, तो यहाँ पर फिगर जरूर दीजिए, यहाँ पर फिगर देके मलक्का को दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए सेशेल्स सबको, पूरा एरिया को दिखाइए, तो यहाँ मैपिंग का जरूर यूज कीजिए। भारत चीन पूछ दिया है तो आप है जो जरूर है जो पश्चिमी मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर के बारे में उसको दिखाइए, रूट को है जो ट्रेड रूट को है जो जरूर दिखाइए। तो यहाँ पर है जो फिगर विश्लेषण में फिगर और मैप का प्रयोग जरूर करें, और उसके बाद ये फिगर है जो मेन बॉडी से ऊपर होगा, इसमें विश्लेषण जब कर रहे हैं तो मेन बॉडी से ऊपर है जो आपका फिगर बनेगा, उसके बाद मेन बॉडी में उसके है जो इसका जो भी इंपॉर्टेंट चीज है जो मेन बॉडी में लिखाएगा, और पॉजिटिव कमेंट देकर है जो आप आगे बढ़े। ये एक छोटा सा इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि जब आप एग्जाम में लिखने जाते हैं तो क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं और है जो क्वेश्चन लिखना चालू कर देते हैं, तो है जो इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि टिप्पणी बोल रहा है कि विवेचना बोल रहा है कि विश्लेषण बोल रहा है। अगर कोई क्वेश्चन अगर कोटेशंस में रहे तो इस कोटेशंस का मतलब होता है कि कोटेशंस यही है जो मेन इन्वर्टेड कॉमा में है, इसके मेन पॉइंट पे ही है जो इसकी चर्चा करने की बात बोल रही है, तो आप इस चीज के जो भी सेंटेंस दिए हैं वह इस सेंटेंस पे आप ज्यादा ध्यान, जैसे ये सब ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में पूछता है, सिस्टम और डेवलपमेंट गोल की बात हो गया, ह्यूमन हंगर इंडेक्स की बात हुआ, SDI की बात हुआ, नीति आयोग का सूचकांक के बारे में अगर कोई किसी प्रकार का डेटा है अगर पूछ रहा है, तो ये जो कोटेशंस में रहेगा तो कोटेशंस का ही है जो आपका कोर पॉइंट हो जाएगा, उसी की है जो चर्चा है जो आपको करनी है। तो कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पार्ट था दोस्तों जो मैंने बताने की है जो कोशिश किया हूँ। आलोचनात्मक परीक्षण एक होता है कि दोस्तों आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आलोचनात्मक परीक्षण में सिंपल सा होता है दोस्तों कि आप जो आलोचना कर रहे हैं उसमें है जो 70% और 30% दोनों को बांट कर लिखना है। खाली आलोचना भी किसी चीज का नहीं करना है। अगर हमें भारत पाकिस्तान के बीच में अगर है जो रिलेशंस पूछ दे तो हमें सिर्फ आलोचना ही नहीं करना है, हमारे साथ भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक पॉजिटिव थिंग के साथ 30% उसको भी लिखना है। तो निश्चित रूप से आलोचनात्मक परीक्षण में आलोचना करते हुए और है जो पॉजिटिव थिंग आप है जो लास्ट में देने कि इसके क्या उपाय होने चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों जो इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन आधारित है जो सिंपल वही लिख दीजिए इंट्रो में, मेन बॉडी में आने के बाद टोटल कमेंट इन मेन बॉडी जो भी है जो मेन बॉडी में ही कमेंट को पूरा छोड़ दीजिए, और कंक्लूजन में अपना पॉजिटिव दीजिए, जहां पर आलोचनात्मक परीक्षण करने की बात है वहां पर है जो कंक्लूजन दीजिए, और वो कंक्लूजन भविष्यगामी परिवर्तित होना चाहिए, माने हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, भविष्यगामी की बात की आने वाला समय में इस प्रकार से ये चीज होगा। तो निश्चित रूप से जो दोस्तों 4-5 पॉइंट है जो क्वेश्चन में आपको पूछता है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा कि क्या लिखना है। अगर टिप्पणी करना है तो हमें जो पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट की बात करना है, विवेचना करना है तो हमें जो भी पॉइंट्स लिख रहे हैं दोनों को मैपिंग करके लिखना है, एक्सप्लेन की बात अगर आ गई तो हमें जो वहाँ पर मैपिंग का है जो प्रयोग करेंगे, आलोचनात्मक परीक्षण की आ गई तो हम आलोचना करते हुए हम अपनी राय है जो देने का प्रयास करेंगे, और दृष्टिकोण विवेचना जैसा ही लिखा जाता है, दृष्टिकोण और विवेचना एक ही जैसा होता है। तो आप है जो इस चीज को वीडियो को 1-2 बार 3 बार 5 बार जरूर है देखिएगा, ताकि जो दिमाग में रहे कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चन से जो लिखना है, क्या बहुत मैटर रखता है दोस्तों कि वर्ड का इम्पोर्टेंस बहुत हो जाता है। तो आप निश्चित रूप से है जो इसको 1-2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको निश्चित रूप से जो एग्जाम के अंदर में इस आपको एक सहायता प्रदान होगा इसके माध्यम से। दोस्तों ये मेरा 65th का अंतिम वीडियो था, और जितने भी हैं उनको ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और सिलेक्शन आप लोग को होना ही है निश्चित रूप से। जो वीडियो से जुड़े रहे हैं, जो वीडियो देखते रहे हैं, उनको निश्चित रूप से जो पॉजिटिव फील कीजिएगा एग्जाम के अंदर में। तो जब एग्जाम होगा तो हम डिस्कशन करेंगे आप लोग के साथ क्वेश्चंस का क्या पैटर्न पूछा गया है इस बार। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।